क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां हैं और चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अमर सिंह सागर, क्षेत्र प्रभारी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने समाज को, जाटव समाज को खासकर भाजपा से जोड़ने के लिए, जगह जगह जा कर के भाजपा से जोड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बने। जो 16 मेयर हैं हमारे, सारे भारतीय जनता पार्टी के ही बने, और खासकर मुरादाबाद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जाटव समाज को, जितना जाटव समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, इतना किसी में नहीं है। आज तक बसपा ने धोखा दिया है और छला है, छल कपट की राजनीति अच्छी नहीं है। मैं दलित समाज से अनुरोध करता हूँ कि सारा जाटव समाज, सभी जितने जाटव भाइयों से बार बार अनुरोध करता हूँ जगह जगह जा करके कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उन्हीं को वोट दें। हमारे विनोद अग्रवाल जी बहुत अधिक मतों से जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि जाटव समाज का 80% वोट भाजपा को जाएगा इस बार चुनाव में। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार अपने मेयर प्रत्याशी उतारा, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खतरा सी दिखाई दे रही है। देखिए, इस समय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाखन सिंह सैनी जी से कोई खतरा नहीं है, ना ही बहुजन समाज पार्टी से कोई खतरा है। जाटव समाज बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है और आने वाला समय 2019 जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जाटव समाज होगा। क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुने, उन्हीं को वोट दें और किसी के बहकाव में ना आकर धोखाधड़ी से बचें। लोग झूठ बोलेंगे कि भैया मेयर बन रहा, मेयर की स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है। विनोद अग्रवाल ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो लहर चल रही है, और हम माननीय योगी जी के सपनों को और माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे, और सारे दलित समाज से, जो और भी दलित समाज है, जितने भी दलित समाज हैं, उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। ये मेरी अपील।